अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोबा सलीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबा सलीम 2.0। आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सोसाइटी, बेहतरीन जगह पे मैं खड़ा हूँ। इस सोसाइटी के बारे में मैं ज़्यादा बात करूँ तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये बैंक लोन अप्रूव्ड है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कराची में बैंक लोन अप्रूव कोई जगह, कोई प्लॉट हमें दिलवा दें। तो भाई ये जो जगह है, ये जो सोसाइटी है, ये बैंक लोन अप्रूव्ड है। अब इससे दो चीज़ें जो है मैं आपको क्लियर कर दूँगी। जब बैंक लोन अप्रूव्ड होती है तो इसका मतलब है कि सोसाइटी के तमाम दर डॉक्यूमेंट क्लियर हैं। मैं बात कर रहा हूँ अलजदीद के एक नया प्रोजेक्ट गोल्फ हिल्स के हवाले से। और एज़ यू नो कि गोल्फ हिल्स जो है वो हिल व्यू जो है वो क्या कहते हैं, अपने 6 महीने पहले ही जो है वो इसका ओपनिंग हुआ है। और काफ़ी अगर आप देख सकें ड्रोन शॉट्स भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट के काम किस तरह के हैं। और काफ़ी खुशादा जगह है। एक ब्रेकिंग न्यूज़, ये एक बहुत बड़ी खबर, शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये खबर ना हो लेकिन मेरे लिए है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि अस्करी 6 जो है वो इसके बिल्कुल आर्मी का जो है माया नाम से एक प्रोजेक्ट है, बेहतरीन नाम है। अस्करी का नाम जो है वो काफ़ी बड़ा है और इसका जो 6 प्रोजेक्ट है वो इसकी बाउंड्री के साथ ही जो है वो लग रहा है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोगों के कंसर्न थे तो आई थिंक वो इस प्रोजेक्ट के आने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू कराता हूँ आज की वीडियो में। पूरा आप लोगों को हिल्स व्यू का टूर कराऊंगा, उसके रेट्स बताऊंगा, उसमें जो है इंस्टॉलमेंट प्लान्स वगैरह थे जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं उस बारे में भी बताऊँगा। तो चलें फिर मेरे साथ थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आप लोगों को अगर बताऊं कि ये जो हिल्स व्यू है इसमें बिल्डर ने जो है वो चार कैटेगरीज में प्लॉट रखे हैं। रेजिडेंशियल में 120 गज है और 140 गज है, और कमर्शियल जो है वो इन्होंने रखा है 120 गज का और फिर 400 गज का। मैं अगर 120 गज के बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों को मालूमात दूँ, जो रेजिडेंशियल है तो इस वक्त ये आपको मिल रहा है करीबन 60 लाख रुपए का। और अगर 140 गज़ की अगर हम बात करें तो 140 गज़ जो है वो आपको मिलता है 65 लाख रुपए का। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और ऑब्वियसली इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं प्रोजेक्ट के हवाले से। कमर्शियल की अगर हम बात करें तो कमर्शियल जो है वो 125 गज़ का जो वो 75 लाख रुपए का है, और जो 400 गज़ है वो 2 करोड़ 25 लाख रुपए का है। मैं अगर बात करूं पोजीशन की भाई, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार पोजीशन तो 4 साल में मिलेगी, 5 साल में मिलेगी। नहीं भाई, पोजीशन जो है बिल्डर ने अनाउंस कर दी है तो ये रेडी टू मूव है, मतलब आप लें और बनाना शुरू करें। बाकी जो यूटिलिटीज़ हैं उसमें फ़िलहाल जो है वो बिल्डर जो है वो यूटिलिटी में आपको के इलेक्ट्रिक जो है वो मिलती है, पानी मिलता है। स्वीगैस के लिए जो है, स्वीगैस जो है वो आपको पता है कि 50% आबादी पे रिहाइश पे आती है, तो डेफिनेटली उसमें टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो 50% जब आबादी हो जाएगी तो स्वीगैस भी आ जाएगी। मैं आप लोगों को नॉलेज में दे दूँ, मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताता ही रहता हूँ कि SSGC या स्वीगैस पाकिस्तान में वैसी नायाब होती जा रही है, तो जिनके पास है उनके पास भी नहीं आती, अब लाइनों में आने का तसव्वुर ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक किसी भी नई सोसाइटी में स्वीगैस का सवाल करके यूटिलिटी के नाम पे मेरे ख्याल से वो बेकुवाना काम होगा इस वक्त। ओके, अच्छा जी, अभी आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो इस सोसाइटी के सबसे टॉप ऑफ द लोकेशन पे मेरे कैमरामैन खड़े में टावर जो बनाया है इन्होंने, काफ़ी यूनिक सा है, आप लोग ड्रोन शॉट में भी देख लेंगे। सॉरी थोड़ा सा नज़ला हो गया। खैर, अगर एतराफ़ की जगह देखी जाए या एतराफ़ की मनाजिर देखे जाएँ तो यार ग्रीनरी जो है वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, और काफ़ी खुशादा प्लॉट्स हैं। बड़े प्लॉट्स हैं, कमर्शियल भी हैं 120 गज़ और 140 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट भी हैं। तो भाई क्या कहते हैं, आज से तकरीबन 3 माह
पहले जो है इन्होंने अनाउंस किया था इंस्टॉलमेंट प्लान, जिसको अभी इन्होंने रिवॉक कर दिया है। तो इंस्टॉलमेंट पे पहले प्लॉट मिल लेते, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये कैश के ऊपर मौजूद हैं। तो कैश पे 120 गज जो है वो मैंने आप लोगों को बताया कि 60 लाख रुपये का है, 140 65 लाख रुपये का है, कमर्शल 75 लाख रुपये 120 गज के, और 400 गज के जो है 2,25,00,000 रुपये हैं। ये आस्किंग है बिल्डर की, और इसमें जो पोजीशन है वो 3 महीने में मिल जाएगी। डेवलपमेंट चार्जेस, यूटिलिटी के चार्जेस और लीज़ के चार्जेस का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो आइंदा आने वाले हफ्तों में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। जैसी कोई अपडेट होगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसके बारे में भी आगाह कर दूंगा। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहा है, किसी भी किस्म की मालूम के लिए आप लोग मेरे नंबर को रब्ता कर सकते हैं। और मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ मुबा सलीम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।